आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें दो आतंकी मारे गए जबकि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का एक जवान घायल हुआ है। दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। उनकी न्यायिक हिरासत 19 जून को खत्म हो रही थी, लेकिन उसे बढ़ा दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1749 करोड़ रुपए की लागत से बने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का इनॉग्रेशन किया। पीएम ने कहा, नालंदा केवल एक नाम नहीं बल्कि एक पहचान है। दिल्ली से दरभंगा जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट का एसी 1 घंटे तक बंद रहा। इस दौरान फ्लाइट में सवार पैसेंजर्स परेशान होते रहे। फ्लाइट के अंदर का वीडियो भी सामने आया है। सऊदी अरब के मक्का में गर्मी के कारण 12 जून से लेकर 19 जून के बीच 577 हज यात्रियों की मौत हो चुकी है। पिछले साल ये आंकड़ा 240 था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ड्राइवर को नींद आ जाने से भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में एक की मौत हो चुकी है जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बुधनी विधानसभा सीट से इस्तीफे को विधानसभा सचिवालय ने मंजूरी दे दी है। बुधनी विधानसभा सीट को अब रिक्त घोषित कर दिया गया है। इस सीट पर जल्द ही उपचुनाव होंगे। ग्वालियर के भीतरवार विकास खंड के गांव में एक बड़ा हादसा हुआ। यहां आकाशीय बिजली गिरने से पेड़ के नीचे खड़े 4 लोगों की मौत हो गई जबकि एक घायल है। पन्ना में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली स्टेयरिंग और बेयरिंग फेल होने के कारण अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 6 लोग घायल हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर।